माघ पूर्णिमा पर पवित्र सागर मैया तालाब में मेले का आयोजन। पवित्र तालाब में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे श्रद्धालुगण। देवालय सहित सागर मैया के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सागर धार्मिक स्थल में हर साल की तरह इस साल भी 19 फरवरी को माघ पूर्णिमा के अवसर पर माघी पुनी मेला प्रारंभ हो गई है। सागर मैया के दर्शन के लिए एक दिन पूर्व देर रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। सागर मैया तालाब के दर्शन की ललक में लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं, वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की टोली उमड़ रही है, जिससे ग्राम में भीड़ देखने को भी मिल रहा है। श्रद्धालु काफी दूर से अपने निजी वाहन से भी पहुंच रहे हैं, तो कई श्रद्धालु पैदल ही दर्शन के लिए आते हैं। बिलासपुर जिले के अंतर्गत तखतपुर विकास खंड के ग्राम सागर जो सकरी से 13 किमी दूरी पर स्थित विशाल सागर तालाब है। यह सागर तालाब 24 एकड़ में जल भराव तथा 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ अपार है। मान्यता है कि इस तालाब के पानी में औषधीय गुण है, जिसमें नहाने से चर्म रोग की व्याधि दूर हो जाती है। सागर तालाब के पास बैठू तालाब भी है। ग्राम पंचायत सागर इस तालाब के महिमा के कारण प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा को सागर तालाब की महाआरती के साथ मेला प्रारंभ होता है। सागर तालाब के चारों ओर विभिन्न समाज के लोगों ने जनवरी सहयोग से मंदिरों का निर्माण कराया है और तालाब के आसपास धार्मिक आयोजन नियमित रूप से चलते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सागर तालाब को हमारी धरोहर योजना में शामिल किया है। कहा जाता है सागर मैया तालाब प्रारंभ में स्वर्गीय वेद प्रसाद पांडे ने तालाब के महिमा और विकास के लिए अपना योगदान दिया और निरंतर ग्रामवासी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सागर तालाब के विकास एवं सुंदरीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और धीरे धीरे तालाब का किनारा और मेले की भव्यता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में ग्राम पंचायत सागर के पदाधिकारी एवं गाँव के प्रमुख इस आयोजन को लेकर विशेष तैयारी की गयी है। आज माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः 9 बजे समस्त ग्रामवासी एवं आमंत्रित अतिथियों द्वारा सागर तालाब, जिसे माँ सागर अम्बा भी कहा जाता, महाआरती भी की गई। सागर मैया की महाआरती में छग प्रदेश कांग्रेस सचिव आशीष सिंह, जिला पंचायत सदस्य बिलासपुर जितेंद्र पांडे, कांग्रेस नेता शिव बालक कौशिक, धर्मेश दुबे विशेष रूप से सम्मिलित हुए। साथ ही महाआरती में हजारों की संख्या, आसपास के ग्रामों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष शामिल हुए। पूजा अर्चना के पश्चात मेले का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन के प्रमुख सुरेश पांडे, महेंद्र तिवारी, दिनेश पांडे, जनपद सदस्य, सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी विशेष सहयोग रहा। सागर मैया में डुबकी लगा कर के दर्शन करने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यह मेला हर साल माघ पूर्णिमा के समय लगता है। यहां दूर दूर से श्रद्धालुगण देवालय सहित सागर मैया के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस पावन ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल में भगवान राम, जानकी, राधा कृष्ण, शंकर पार्वती, गणेश, शनि देव, बजरंगबली आदि हिंदू देवी देवताओं सहित काफी संख्या में मंदिर एवं देवालय स्थापित हैं। यहां लोग दर्शन लाभ लेकर अपनी मन्नत सागर मैया के सामने रखते हैं। सागर मैया में इस बार भव्य प्रवेश द्वार बनाकर सौंदर्यीकरण भी किया गया है। समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था ग्राम पंचायत और सागर मैया समिति द्वारा किया गया है।